तो D1 और D9 के केस में अगर हम देखें तो जो टर्म हमारे पास में आता है वो क्या आता है, 2D आता है। और अगर हम D4 और D6 की बात करें तो यहाँ पे जो टर्म हमारे पास में आएगा वो 5D आएगा, और हमने इसको किससे निकाला है, 2s+1L से। ठीक है, ये आपका टर्म का फॉर्मूला है, तो इससे आप टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, टर्म सिंबल अलग चीज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टर्म सिंबल किससे निकालते हैं आप, 2s+1, अगर जे की वैल्यू भी अगर आप उसमें इंक्लूड कर देते हो तो उससे आप क्या निकालते हो, टर्म सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ टर्म निकालनी है तो आप 2s+1L से निकालते हैं। तो यहां पर आप 2s+1 से L से ये आप क्या निकाल सकते हो, टर्म निकाल सकते हो। ये निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे ऑर्गल डायग्राम की, वो इन चार केसेस में बात करेंगे, D1, D9, D4, D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है इनके लिए। ठीक है, ये 8 केसेस टोटल आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो D1 क्या होता है, पहले मैं यहाँ ये बता दूं आपको कि D1 अगर हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे, अगर हम D9 बात करेंगे तो D9 क्या बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8 एंड 9। D4 को अगर हम देखें तो क्या होगा, D1 सॉरी ये 4, और अगर D6 की बात करें तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास में D6। ठीक है, अब इनमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का केस आपको अगर देखना है और अगर आपको होल का केस देखना है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक या दो क्या हो, कम हो, लेस किससे, या तो हाफ फिल्ड से या फिर फुल फिल्ड से। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखो कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अगर D9 में और ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या स्थिति आ जाएगी, D10 की स्थिति आ जाएगी। इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो D10 की स्थिति आ जाएगी, मतलब कि फुल फिल्ड हो जाएगा। तो यहां पर बात है D9 की, तो D9 का केस है, तो यहां पर क्या होगा, एक जगह हमारे पास में अभी खाली है, मतलब कि इसको हम होल मान सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसे होल मानेंगे। तो ये जो D9 का केस है ये किस में कंसिडर होगा, होल में कंसिडर होगा, ये होल में कंसिडर। अगर हम यहां पर D6 की बात करें तो यहां पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन कम है फुल फिल्ड में, इसलिए इस D6 को हम किस में कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका D6 इलेक्ट्रॉन के केस का। अगर हम यहां पर D4 की बात करें तो D4 में भी अगर आप देखो तो यहां आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और लगा दें तो ये D5 हो जाएगा, और D5 हाफ फिल्ड होता है, तो हाफ फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, होल का केस हो जाएगा, मतलब कि ये D9 और D4 ये दोनों के दोनों जो केस हैं वो होल के केस। ठीक है, और अगर हम यहां पर D1 की बात करें तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कम है हाफ फिल्ड से, इसलिए इस हम D1 को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जो D1 का केस है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 केसेस में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं, D1, D9 और D4, D6। अच्छा, इसी की बात हम क्यों कर रहे हैं, होल और इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास में जो आपका D2 है या आपका D3 है, D7 है या D8 है, इन सब में भी आता है। ठीक है ना, उनको हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास टर्म निकल करके आएगी वो क्या टर्म आएगी, वो F निकल के आएगी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ D के बारे में पढ़ेंगे कि D जो टर्म है वो किस तरह से स्प्लिट होती है और उनका ऑर्बिटल डायग्राम्स किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, तो अब हम चलते यस हैं सर, आगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे और एक एक केस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे D1 की, D1। ठीक है, कि ये D1 क्या होता है और किस तरह से हमें अलग अलग टर्म ये देता है। तो D1 को अगर हम देखें, कोई भी कंपाउंड अगर आप लें वहां पे, तो ये आप D1 को कुछ इस तरह से, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जब लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से फिल करते हो। ठीक है, कैसे फिल करोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां पर फिल कर दिया। ठीक,
अगर आप इस D1 के लिए टर्म निकालेंगे तो टर्म कैसे निकालेंगे, टर्म आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ है, तो इसके लिए जो सबसे पहला काम होता है टर्म निकालने का, और टर्म हमारे पास आती है क्यूबी। ठीक है, किससे निकालिए मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भूलना नहीं इस बात को कि 2s+1l से जो है हम टर्म निकाल लेते। तो हमने ये टर्म निकाल ली। ठीक है, अब क्या होगा, ये तब की बात है जब जो आपके पास में एटम है या आयन है, जब कैसा है, फ्री स्टेट में, जब किसी तरह का कोई लिगेंड उसके पास में नहीं है। ठीक है, अब लिगेंड आना शुरू करेगा, जब लिगेंड फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट फॉर्म में शो कर देंगे। ये जो आपका बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, क्या होता है ये, बेरी सेंटर, ये जो बीच की डॉटेड लाइन जो मैंने आपको बताई है, बेरी सेंटर। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है। नाउ अगर हम यहां पर पहले बात किसकी कर रहे हैं, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। और ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, नीचे कितने, तीन ऑर्बिटल्स और ऊपर कितने, दो ऑर्बिटल्स। इसको आप बोलते हो T2G और इसको आप बोलते हो EG। अब ये देखो यहां पे जो इसकी मल्टीसिपलिटी है वो है 2। ठीक है ना, अब मल्टीसिपलिटी 2 है तो 2 मल्टीसिपलिटी वाली टर्म स्प्लिट हुई है, इसलिए यहां पर भी आप क्या लगा दोगे, 2। तो ये 2T2G और 2EG में स्प्लिट हो जाता है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पर फिल कर देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। तो जब लिगेंड आया और मेटल से उसने मेटल लिगेंड बनाया, उस समय ये स्थिति रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, है ना, फोटोन की फॉर्म में हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर T2G में है, 2T2G में, ये क्या करेगा, ये यहां से और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला जो हमारा एनर्जी लेवल है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास क्या स्थिति आती है, हमारे पास इस तरह की स्थिति आती है। ये आपका बैरी सेंटर और ये ईजी सेट और ये हमारे पास T2G सेट, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे T2G में था वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आपका वही T2G और ये आपका 2EG। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है T2G से, यहां से। तो ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है, इस पूरे के पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2T2G। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, कोई भी चीज अगर कहीं से जा रही है तो जो उसकी ग्राउंड स्टेट है वो क्या थी, वो थी ये। तो ये पूरा का पूरा, अब देखो ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, 2EG में पहुंच गया। तो ये जो पूरी की पूरी जो टर्म होगी, ये जो पूरी की पूरी टर्म जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे EG। ठीक है, 2EG, 2 इसलिए क्योंकि यहां पर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 थी। तो T2G से 2EG में यहां पे क्या हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है। मतलब अगर आप किसी कंपाउंड को यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इसका जो D1 का एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके ग्राउंड स्टेट से यहाँ एक्साइट होकर के अगले लेवल में चला जाता है। तो ये 2T2G से 2EG में चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नो सर, है? ओके, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आपको ये मालूम है कि यहां से ये जो T2G और EG, ये हमने स्प्लिटिंग में पढ़ चुके हैं कि इसका जो टोटल जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, CFSE, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल नॉट से। ठीक
ठीक है, या फिर 10 DQ से। और जो 2T2G, इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये -0.4 ∆0 या फिर फोर सॉरी -4 DQ। अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें कि इस बैरी सेंटर से ईजी सेट की कितनी एनर्जी है, तो ये जो होगी वो होगी +0.6 ∆0 या फिर +6 DQ। ठीक है, तो यहां जो ट्रांजिशन हुआ है वो कहां से कहां हुआ है, 2T2G से 2EG में, मतलब कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो ∆0 के बराबर होगी, जो कि 10 DQ होगी। ठीक है, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 10 DQ एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो, इसकी एनर्जी कितनी होगी, वो होगी -4 DQ। -4 DQ क्यों होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, और ये यहां पर हमने यहां पे बताया हुआ कि ये बैरी सेंटर से नीचे है, और ये कहां पे जा रहा है, ये यहां पे +6 DQ, इतनी एनर्जी इसको चाहिए कि -4 DQ से ये 6 DQ में चला जाए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका ऑर्गल डायग्राम की, कि इसका ऑर्गल डायग्राम कैसा आएगा। तो यहां हम बनाते हैं ऑर्गल डायग्राम। सो ऑर्गल डायग्राम के लिए ये हमारे पास में एनर्जी, ये एनर्जी है जो बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर हमने बना दिया ये बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर दिख रहा है आपको। अब हम बात करेंगे कि कितनी स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है, कहां से कहां तक, T2G से EG में, और T2G की एनर्जी कितनी है, -4 DQ। तो -4 DQ को हम यहां पे बनाते हैं, देखो ये कुछ इस तरह से हमने -4 DQ बना दिया। कहां तक हो रही है, +6 DQ तक, यहां पे हम बना देते हैं 6 DQ, ये हमने बना दिया 6 DQ। अब देखो इसकी जो डिस्टेंस है बैरी सेंटर से, और इसकी जो डिस्टेंस है बैरी सेंटर से वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, ये -4 DQ है और ये +6 DQ है। ठीक है, इसीलिए ये गैप आपको ज्यादा दिख रहा है और ये वाला गैप जो है वो आपको कम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर D1 ऑर्गल डायग्राम बन गया। ठीक है, जहां पे ट्रांजिशन 2T2G से 2EG के बीच होता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्रांजिशन दिखाते हैं या इस D1 सिस्टम में आते हैं, तो एक है आपका हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है ना, 3+, या फिर आपके पास में टाइटेनियम का ही और एग्जाम्पल ले सकते हो कि हेक्सा साइनो टाइटनेट 3-, या फिर दूसरा और लिगेंड आप ले सकते हो, हेक्सा फ्लोरो टाइटनेट 3 और हेक्सा क्लोरो टाइटनेट 3। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसके हैं D1 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे 6 लिगेंड है इसलिए सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे। अब देखो मैंने एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे पहले भी बताई थी, अभी भी बताता हूँ, कि जो लिगेंड है फील्ड है, ये जो लिगेंड फील्ड है जो इधर बढ़ रहा है, लिगेंड फील्ड, ये जैसे जैसे किसी लिगेंड का बढ़ता जाता है, जैसे कि साइनो ग्रुप हो या आपका फ्लोरीन हो या हमारे पास में क्लोरीन हो, अब इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है ना, इन तीन की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो एक जैसे आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर, या इसकी भी चारों, इसकी भी बात कर लो। चलो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कौन सा है, या सबसे वीक लिगेंड कौन सा है।
बता सकते हो? चलो, ये जो क्लोरीन है ये सबसे वीक लिगेंड है, और सबसे वीक लिगेंड है तो ये कहां से कहां तक ट्रांजिशन देगा, वो ये यहां पे ट्रांजिशन देगा, ठीक है ना, यहां पे। और अगर इससे बाद में बात करें तो फ्लोरीन जो है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहां जो ट्रांजिशन होगा ये फ्लोरीन दे। इसी तरह से एक और अगर हम बात करें, ये आपका फिर आता है वाटर, और फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो है हमारे पास में साइन। तो ये हो गया हमारे पास में ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जो पहला ट्रांजिशन आपके पास में है ये किसके लिए है, सबसे कम किसका था? क्लोरीन के लिए, क्लोरीन। हाँ, सबसे कम था क्लोरीन का, तो ये क्लोरीन का क्या है, डी। ये सबसे छोटा जो है हमारे पास डी के लिए, इससे ज्यादा कौन था फिर, फ्लोरीन। क्लोरीन। तो ये हमारे पास में हो जाएगा किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, ठीक है ना। और इसको अगर हम देखें तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाटर के लिए, मतलब वाटर। के लिए। और ये वाला जो ट्रांजिशन है ये किसके लिए हो जाएगा, ये जो हमारे पास में है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनो ग्रुप जो बी पर है आपका, इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो फील्ड स्ट्रेंथ है जैसे जैसे लगता जाता है उस हिसाब से यहां पर ये जो ट्रांजिशन आपका होगा और ये जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इन सब के लिए अगर आप देखोगे वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जैसे कि अगर हम इसके लिए देखें कि जो वाटर अगर एज अ लिगेंड हो तो ये आता है हमारे पास पीक 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स का। अगर हम साइनो की बात करें कि साइनो ग्रुप अगर आपने एज अ लिगेंड लिया हुआ है तो वो तकरीबन 27,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है, और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो लिगेंड अगर है तो 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स पर आता है, और अगर क्लोरीन है तो वो सबसे कम एब्जॉर्प्शन करेगा और ये यहाँ पे 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो वैल्यू है जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ती जाती है, इस तरह से फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो भी लिगेंड आपने लिया हुआ है जो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है उसके हिसाब से आपको एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा मिलता जाएगा या ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीक, इंटेंस पीक आपको मिलती जाएगी जो आपको इन वैल्यूज से भी नजर आ रही है क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, D1 के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं D1 की ही फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम यहां बात करेंगे अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D1 का, ठीक है ना, D1 का टेट्राहेड्रल। तो आप सेम देखो कैसे बनाओगे, वही आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है वो इस तरह से लिखा, ठीक है। इसका जो टर्म आया वो आपके पास में क्या आया, वही आपके पास में 2D आया। जब लिगेंड आना शुरू हुआ तो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट किस में हो गया, T2G और EG सेट में। अब क्योंकि ये 2 मल्टीसिप्ल लिखा है, मल्टीसिप्ल सॉरी यहां पर एक गड़बड़ की मैंने, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पर तो T2G नीचे होता है, लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है और 3G सेट जो T2G सेट है वो ऊपर चला जाता है और EG सेट जो है वो नीचे आ जाता है, ऐसा ही होता है ना, ये इस तरह से। और ये आपके पास 2 और ये 2, ठीक है, और ये हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ये है आपका बैरी सेट है। नाउ अब क्या करेंगे, आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ लाइट फोटोन। तो आपने यहां पर एनर्जी प्रोवाइड की, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले देखा था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएगा ये कुछ इस तरह की स्थिति आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उसमें आप जी नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक ग्रेडेड नहीं होता, ठीक है, ये मैंने गलती से लगा दिया। तो यहां क्या स्थिति आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ये हमारे पास में था 2E
और ये हमारे पास में था टू टी टू, ठीक है, और ये हमारे पास है बैरी सेंटर। तो कहां से कहां गया है, यहां से और यहां गया है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, टेन डी क्यू या डेल नॉट के बराबर है। इतना आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब ये इस टू ईजी से, टू ई से और टू टी टू में क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगी। तो देखो अगर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की थी तो वहां पे जो ट्रांजिशन हो रही थी वो कैसे हो रही थी, वो टू टी टू जी से टू ई जी में हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, टू ई जी से टू टी टू में हो रही है, ठीक है, समझ में आई बात। यस सर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम अगर आप इसका बनाओ तो ऑर्गल डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हो। मैं यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम आप बनाओ तो ऑर्गल डायग्राम कैसे बनेगा, ऑर्गल डायग्राम बनेगा ये आपके पास में हो जाएगी एनर्जी और ये बैरी सेंटर कहाँ से कहाँ हो रहा है, टू ई से। तो नीचे हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, टू ई, और ऊपर जो है वो है थ्री टू, हो जाएगा हमारे पास। तो देखो ये वाला जो गैप है ये ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये है टू ई और ये क्या है, ये है हमारे पास थ्री टू। तो ये जो है ये माइनस सिक्स डी क्यू और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है प्लस फोर डी क्यू, ठीक है। और टोटल जो है वो आपको पता ही है वो डेल नॉट है। तो यहां से यहां तक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फील्ड स्ट्रेंथ जैसा जैसा लिगेंड आपने काम में लिया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आई। यस अगर इन दोनों को, ये जो मैंने अभी दोनों जो केसेस आप लोगों को बताए हैं, इन दोनों केसेस को अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेल डायग्राम से बनाऊं तो कैसे बनाऊं, देखो लाइन टेढ़ी हो सकती है तो आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत देना। इन दोनों केसेस को जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए हमने बनाए हैं, D1 के लिए इसका अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बनाए तो ये आपका बैरी सेंटर हो गया और यहां इधर हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की और इधर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ईजी सेट ऊपर होता है, तो ईजी ऊपर होता है तो ये आपने बना दिया और ये हमारे पास ऐसे। और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो देखो टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरह से, ये तो आपका एनर्जी हो जाएगा, ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी और ये जो सेट है ये क्या है आपका टू टी टू जी और ये है टू ई जी और इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप टू टी टू और इसको बोलोगे टू, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म में अगर आप इस डायग्राम को बनाओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो कुछ इस तरह का ऑर्गेल डायग्राम आता है किसके लिए, फॉर फॉर डी वन कॉन्फिगरेशन। इसमें कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, सर। ओके आगे चलते हैं। अब हम दूसरा हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं D9। अच्छा D9 क्यों ले रहा हूं, वो D9 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि D1 और D9 का जो टर्म होता है वो 2D होता है, ठीक
ठीक है ना, सिर्फ इसलिए। तो डी नाइन को अगर आप यहां पर लिखोगे करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में बताओगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स, नाइन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हैं, नाइन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, ठीक है। अब इसका अगर टर्म की बात करें तो ये क्या, जब फ्री स्टेट में है तो टर्म इसका वही है 2d। नाउ लिगेंड आएगा, अब ये क्या होगा, स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहले सेंटर में बना देता हूं। तो पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल केस की, ये हमारे पास में है ऑक्टाहेड्रल केस। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ईजी ऊपर जाता है, ये ईजी ऊपर है और टी टू जी नीचे आता है, टी टू जी हमारे पास ये नीचे है, ठीक है। सो ये यहां पर आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, ये है हमारे पास टी टू जी, और क्योंकि इसकी मल्टीसिप्लिटी टू है तो हमने यहाँ लिख दिया टू टी टू जी, ये है ई जी, तो इसकी मल्टीसिप्लिटी भी दो है तो हमने लिख दिया टू ई जी। अब मेन कहानी शुरू होती है, ये जो दो आपके पास में है, मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ये ई जी और ये टी टू जी, ठीक है, ये हमारे पास बैरियर है। नाउ अब इलेक्ट्रॉन फिल करो जरा, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कैसे होगा, एक दो तीन चार पांच। अच्छा देखो, मैंने कल आपको बताया था कि हम किसके लिए देखते हैं, हाई स्पिन के लिए, ठीक है ना। और हाई स्पिन के लिए जब हम देखेंगे तो हम यहां पर पेयरिंग नहीं करेंगे, हाई स्पिन वाले जो होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पहले तीन इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब पेयरिंग शुरू होगी। तो हमारे पास में ये आपका सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन इलेक्ट्रॉन, ये टोटल नाइन इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जगह कहाँ पे खाली है, यहाँ पे जगह खाली है जिसको आप होल बोलोगे, ठीक है। तो अब यहां पर होल है, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम। तो आप फोटोन के फॉर्म में इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे, तो ये क्या करेगा, जो टर्म है ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, दो तीन और एक दो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बार फेल करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अब देखो यहां जब आपने एनर्जी दी तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां शिफ्ट हो जाएगा। और जब इस तरह से होगा तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, एक ऐसे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इसलिए यहां पर अब नहीं बचेगा, और ये यहां से कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। तो जो पहले होल कहां था, यहां ऊपर था टू ईजी में, वो अब होल कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा टी टू, ठीक है। तो ये टर्म है आपके पास में टू टी टू जी, और ये जो टर्म है वो आपके पास में है टू ई जी। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज जहां से चलती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर इसे हम देखेंगे होल फॉर्मुलिज्म, ठीक है ना। तो होल फॉर्मुलिज्म कहां, होल कहां पर है, टू ई जी में। तो ये टू ईजी में है, और अब कहां आ गया होल, अब होल आ गया टू टी टू जी में। तो होल ट्रांसफर हुआ है टू ईजी से टू टी टू जी में, मेरी बात समझ में आ गई, होल ट्रांसफर हुआ है, यस सर, हाँ, टू ईजी से टू टी टू जी में। इसलिए आप यहां पर लिख दोगे कि टू ईजी से और टू टी टू जी में होल ट्रांसफर हुआ है या ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये आपका पेरिसेंट, क्लियर। अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये यहां पर कितना इसका एनर्जी डिफरेंस है और यहां पर कितना एनर्जी डिफरेंस है, ये आपको बार बार पता है कि ट्रिपली जनरेट के लिए जो होता है वो 4dq होता है, अगर नीचे है तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4dq, और अगर, और जो डबल डिजनरेट होता है उसके लिए सिक्स
डी क्यू वैल्यू होती है, अब क्योंकि ये ऊपर है बैरी सेंटर से इसलिए ये प्लस हो जाएगा और टोटल जो है वो 10 डी क्यू के बराबर होता है। तो ये ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 2EG से 2T2G में, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्गेल डायग्राम बनाएं तो ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनाओगे, ऑर्गेल डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास में एनर्जी, ये हमने बना दिया बैरी सेंटर, और कहां से कहां जा रहा है, 3EG से 2EG से, तो EG को क्या होता है, ट्रिपली डिजनरेट होता है, सॉरी डबली डिजनरेट होता है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे की तरफ, और कहां पर जा रहा है, 2T2G में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो आपको जस्टिफाई लग रही है, ठीक है। ये है हमारे पास में 2EG और ये है हमारे पास 2T2G, ठीक है। ये है प्लस 4DQ और ये है माइनस 6DQ, क्लियर। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि D9 मतलब कॉपर, तो कॉपर में आप देख लो, कॉपर का वाटर के साथ में, तो हेक्सा एक्वा कॉपर 2+ और एक आप बना लो हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो क्यूप्रेट 4-, ठीक है। तो लिगेंड जैसे जैसे आपको मैंने यहाँ पहले ही बताया कि लिगेंड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका जो ट्रांजिशन है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ वाटर के केस में देखें तो ये आएगा तकरीबन 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और अगर हम यहाँ क्लोरीन के केस में देखें तो ये आएगा तकरीबन 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स के केस में, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग होता है वाटर से, ठीक, क्लियर। आगे चले तो अब हम ये हमने किसके लिए देखा था, ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा था, हम बात कर लेते हैं अब टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में अगर हम देखेंगे D9, सो D9 टेट्राहेड्रल, सो D9 को आप कैसे लिखोगे, D9 को लिखोगे आप इस तरह से, ये 9 इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल कर दोगे, 1, 2 इस तरह से। अगर आप इसका टर्म निकालोगे तो टर्म क्या आएगा, टर्म वही इसका 2D आएगा। लिगेंड जब पास आता है तो ये स्प्लिट हो जाती है टर्म्स, ठीक है ना। अब क्योंकि हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं इसलिए T2G सेट जो है वो ऊपर आ जाएगा और EG सेट जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप 9 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करो, ये आपका बैरी सेंटर है, ये बैरी सेंटर, अब 9 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें फिल कर दो, तो एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना। 9 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिए और एक हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, होल बचा हुआ है, एक जगह खाली बची हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वही सेम काम कि हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन। तो अब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस से यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां से यहां शिफ्ट होगा तो कैसी स्थिति होगी, ये कुछ इस तरह की स्थिति हो जाएगी। जो होल पहले यहां था, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां इस होल की जगह पर आ गया तो अब होल डेवलप हो गया हमारे पास यहां, ठीक है ना।
यहां पे हमारे पास होल आ गया, ठीक है। तो अब ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये क्या टर्म कहलाएगी, ये जो ये थी आपकी क्या, टू ई जी, ये मैंने आपको लिखा नहीं, ये टू ई जी और सॉरी टू ई, और ये हमारे पास में हो जाएगी टू टी टू, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए ले रहे हैं तो जी नहीं लगाएंगे, और ये हो जाएगा टू ई और ये होगी टू टी टू। तो पहले होल कहां पर था, टी टू में, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी टू टी टू, और ये जो टर्म है कहां पर आ गया होल, अब टू ई में, तो होल आ गया हमारे पास टू ई। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, ट्रांजिशन हुआ हमारे पास टू टी टू से टू ई, ये हमारे पास में ट्रांजिशन होकर के आया, ठीक है। इसका ऑर्गन डायग्राम बना लो, तो ऑर्गन डायग्राम आप बनाते हो तो कुछ इस तरह का ऑर्गन डायग्राम बनता है। ये एनर्जी है, ये हमारे पास में पेरी सेंटर है, और कहां से कहां जा रहा है, क्या हमें पता है, टी टू जी, टी टू से ईजी में जा रहा है। तो टी टू से ईजी में जाएगा तो कैसा बनेगा, बताओ जरा। टेट्राहेड्रल के लिए है, अरे जो आपके पास में जहां से भी मूव करेगा, जैसे अब यहां कहां से मूव कर रहा है, टू टी टू से, तो टू टी टू से अगर मूव कर रहा है तो उस चीज को आप कहां दिखाओगे, नीचे, ठीक है ना, उस चीज को कहां दिखाओगे, नीचे दिखाओगे, तो आप यहां पर नीचे दिखा दो टी टू को, और क्योंकि ये डबली डिजेनरेट है तो इसको थोड़ा सा कम दिखाओगे, ये, और कहां जा रहा है, टू ई जी में, डबली डिजेनरेट है तो ये थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो ये क्या है टू टी टू, और ये क्या है, ये टू ई, टू टी टू है, इसलिए ये क्या है, ये आपका हो जाएगा -4 dQ, और इसको यहां से यहां तक अगर हम देखते हैं तो ये होगा +6 dQ, ठीक। आगे समझ में, और अगर आप इन दोनों का अगर एक डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप दोनों को कंबाइन करके भी एक डायग्राम बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यहां पे बनाओगे आप बैरी सेंटर, किसके लिए देख रहे हो, T9 के केस में ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इस तरफ ऑक्टाहेड्रल, और इस तरफ हम दिखा देंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और हम देख रहे हैं T9 का केस, तो T9 के केस में ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करते हैं तो T2G ऊपर होगा, T2G ऊपर और AG नीचे, ठीक है ना, ये ऑक्टाहेड्रल, और जस्ट उल्टा यहाँ पर आप लिख भी दो, ये है आपका AG और ये है आपका T2G, आप यहाँ पर टू लगा दो, ठीक है ना। अब इसको आप देखो, यहां पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा T2, T2 नीचे आ जाएगा तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी, और ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी, ये होगी आपके पास में T2 और ये है हमारे पास में T2। तो टू टी टू या टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन डायग्राम है, यहां पर आप देखोगे इसका
इसका ये क्या होगा, ये प्लस 4 dq और ये जो है ये माइनस 6 dq। ऐसे ही यहां पे आप देख लो इसके लिए और इसके लिए, ये e के लिए है, e के लिए जो है वो हो जाएगा प्लस 6 dq और ये हो जाएगा माइनस 4 dq। तो ये ऑर्गल डायग्राम हो जाएगा आपका T9 सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के केसेस। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज जो हमने बात करी किसकी, हमने बात की D1 केस की और हमने बात की D9 केस की, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इसके भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हम बात तो करना चाह रहे थे आज D4 D9 की भी, लेकिन वो D4 D9 की बात अभी नहीं हो पाएगी, तो वो बात हम करेंगे कल के D4 D9 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल के थ्रू जो ट्रांजिशन है वो होता है और उनका ऑर्गल डायग्राम बनता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, समझ में आ रहा है ऑर्गल डायग्राम? यस सर। ये ऑर्गल डायग्राम थोड़ा सा हार्ड होता है, तो मैंने आपको बहुत तो हालांकि बहुत इजी वे में समझाया है ताकि आप लोग बिल्कुल भी इसको भूले नहीं। कभी भी अगर आपके पास में आ जाता है इसको निकालने के लिए तो आप आराम से उसको निकाल दें। आप बस कोई आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑक्टाहेड्रल के लिए आप निकाल रहे हैं या टेट्राहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आप फेल करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को फेल करने के बाद में आप इजीली ये बता सकते हो कि ट्रांजिशन जो है वो कहां से कहां हो रहा है। या तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का होगा या ट्रांजिशन किसका होगा, होल का होगा, ठीक है ना। तो D1 के केस में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और D9 के केस में अगर हम बात करते हैं तो किसका ट्रांजिशन होता है, होल का ट्रांजिशन होता है, ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब जो बाकी के हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशंस है उनका हम कल बात करेंगे।